Hi, I think I'm live, telling your followers that yes, hi, the first one who joined me is Cap's Creations. Hi, Mr. Cap Creations, Ankita Raj, hi, how are you all? Hope you all are so good. Hello. King, लिख रहे हैं hello दीदी. Hello मेरे छोटे भाई King. Hello. Satya, Ritu, hi. बहुत सारे लोग हैं hi. Hello. I think काफी fast comments निकल जाते हैं और कभी कभार पता नहीं लगता. एंड चलो आज के लिए द आई एम लाइव ऑन इंस्टाग्राम ओनली. एंड आना ही था मुझे बिकॉज आप सब लोगों ने मेरे रिसेंट सॉन्ग्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है. एंड आजकल बिकॉज रील्स आ गए हैं तो आई ऑलवेज कनेक्ट यू ऑल विथ रील्स ओनली. रील्स बना लेती हूँ एंड आप सबसे आप सबके इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स एंड इतने सारे लाइक्स आते हैं तो मुझे बड़ा इनक्रेज करता है कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ. सो आई ऑलवेज फाइंड समथिंग फनी टू मेक. सो फनी रील्स एक्चुअली दैट्स माई फेवरेट थिंग वट आई डू. हाई श्याम जी हाई. सुपर हिट सॉन्ग भोजपुरी. थैंक यू भाई समथिंग. आपका नाम बहुत अलग है मैं पढ़ नहीं सकी. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने भोजपुरी वर्जन को भी इतना ज़्यादा प्यार दिया है बारिश बन जाना का. एज यू सी मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं पहले से लॉकडाउन की वजह से जो भी है घर बैठ के. सो पायल देव जी. पवन सिंह जी. हाँ पवन सिंह जी के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भोजपुरी वर्जन बहुत पसंद आया सबको. जो कि या आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट बिफोर आल्सो कि ऑफकोर्स पवन सिंह जी के जो भी गाने आते हैं उसके बाद लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं बिकॉज लास्ट कमरिया आया था एंड कमरिया के बाद वी वाज वेटिंग एक्चुअली कि कब हम लोग दूसरा सॉन्ग करेंगे. एंड बारिश बन जाना जो कि ऑलरेडी इतना अच्छा सॉन्ग गया सब लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया एंड उसका ही भोजपुरी वर्जन था. मतलब मैंने हिंदी गाया बिकॉज मेरे लिए भोजपुरी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता. बट ऑफकोर्स हुक में मैंने भी थोड़ा बहुत गाया. पवन भैया ने थोड़ा बताया कि ऐसे गाना है सिखाया उन्होंने तो गाया. डियर कमांडो जी बोल रहे हिंदी से ज़्यादा बेस्ट आपका भोजन. थैंक यू दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी बिकॉज मैं सोच रही थी कि पता नहीं गा तो रही हूँ ऐसा ना हो कि किसी को पसंद नहीं आए. बट ऑफकोर्स आप सब लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया. थैंक यू सो मच. एंड जो नेक्स्ट है जिसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ विच इज़ दिल लौटा दो जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब सॉन्ग है. एंड ये गाना मैंने कंपोज किया था ऑलमोस्ट तुम ही आना जब था उसके बाद आई थिंक 2.5 साल हो गए. एंड उस वक्त का ये गाना था एंड वो अभी जाके रिलीज़ हुआ था. एंड जो भी नौटियाल ने गाया था मेरे भाई एंड मैंने गाया था एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है उसका भी. ऑफकोर्स मेलेडी इज़ देयर तो ऑफकोर्स जहाँ पे मेलेडी होती है तो लोगों को बहुत पसंद आता है. आप लाइव नहीं आएंगी बॉबी जैसवंत. मैं कैसे लाइव नहीं आऊँगी बॉबी जी जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं ज़रूर आने वाली थी. एंड हियर आई हैव वन सरप्राइज विथ मी. मेरे साथ आदित्य भी है आज. हेलो. अभी कैसे हैं आप सब? इनके बाल अभी ब्लू से कुछ अलग ही कुछ ब्लॉन्ड हो गए. डिफरेंट वो पता नहीं कौन सा हाइलाइट्स कराया इन्होंने. पर ऑफ कोर्स इनको भी नेक्स्ट मैं बोल रही थी अभी नेक्स्ट येलो करा लेना फुल क्योंकि ब्लू येलो ग्रीन जितने भी है वो कराएंगे तो मुझे भी पता लग जाएगा कि कैसा दिखता है. सो हेयर आदित्य विथ मी. जोक्स अपार्ट जो मैंने बोला बट ऑफकोर्स माई बैकबोन एंड
जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी लाइफ में, विच इज़ आदित्य. मेरे हर गाने को मैं तो कंपोज करती हूँ, पर उसको जो ब्यूटीफुली अरेंज करते हैं एंड एक एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करके एंड इतना खूबसूरत बनाते हैं, वो आदित्य ही है जिसकी वजह से मेरा गाना इतना अच्छा साउंड करता है. एंड थर्ड वन, लेट मी जस्ट फिक्स द कैमरा बिकॉज आई थिंक इट्स लाइक या दिस वन इज़ गुड नो या. एंड थर्ड द लिरिक्स राइटर कुणाल भाई, उनका हेलो रितु सागर 184 184. सो थर्ड इज कुणाल भाई, जो हमारी टीम, हम लोग एक्चुअली एज अ टीम ही काम करते हैं एंड उनकी इतने खूबसूरत वर्ड्स आते हैं तो गाना और ब्यूटीफुल हो जाता है. तो बेसिकली एक गाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है. सो ऑफ कोर्स एंड सो थैंक्स टू भूषण सर, जिन्होंने हम लोगों पे भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया. सो या आई वांट टू थैंक हिम आल्सो. क्या प्लीज़ कास्ट करणवीर शर्मा एंड आप उनका लिंक मुझे ज़रूर भेजिए, मैं ज़रूर देखूंगी. मैं तो नहीं करूंगी, पर ऑफ कोर्स आई कैन रिकमेंड इट. जहां से भी म्यूज़िक वीडियो या कुछ आता है तो ज़रूर मैं रिकमेंड कर सकती हूं उनके लिए. प्लीज़ रिप्लाई मी, आपका नाम ही चला गया, आपने लिखा प्लीज़ रिप्लाई मी एंड आपका नाम ही पार हो गया. एक्चुअली आपने देखा आदि? ओके मैम, प्लीज़ बेपना प्यार 2 ऑन द वे है. बेपना प्यार 2, इस बार नाम थोड़ा चेंज किया हमने, पहले प्यार था, अभी शायद से आई थिंक अभी इश्क होना चाहिए. इश्क बेपना इश्क कुछ तो होगा, बट ऑफ कोर्स आने वाला है. बस थोड़ा पेशेंस रखिए ज़रूर. हाथ वाला टैटू दिखाइए ना मैम. अच्छा, आपको टैटू देखने हैं तो टैटू हम दोनों के पास है. एक्चुअली ये देखिए, ये है, सावन का महीना भी चल रहा है वैसे, एंड ये शिव जी है मेरे प्यारे, एंड हम दोनों के हाथ में शिव जी है. बिकॉज मैं उनको मेरा एक्चुअली मेरे पिता मानती हूँ, मेरे भोलेनाथ को. तो ऑफकोर्स वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं. लिरिक्स कैसे दूँ आपको? प्लीज़ लिरिक्स आप पायल देव ऑफिशियल @gmail.com है, उस पर आप ज़रूर मुझे भेज दीजिए, मैं ज़रूर चेक करूँगी. एंड देवी दुखे जी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू सो मच देवी जी. एंड योर फैन सर, आई थिंक दिस इज़ फॉर यू. थैंक यू. एंड आप सब लोग जिस तरीके से मेरे हर गाने को इतना सारा प्यार देते हो, तो मेरे को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है कि नहीं, मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा करूँ. देसी बिहार जी बोल रहे, ओम नमः शिवाय देसी बिहार जी. ऑफकोर्स दिन की शुरुआत अगर आप उनके नाम से करें तो आपका दिन ही कुछ और होता है. ऑफकोर्स सो शिव जी का कुछ सुनाओ. हाँ बिल्कुल, आप सुनाइए. एंड देखिए, मुझे रिक्वेस्ट बहुत आ रहे हैं वो ऐड करने के लिए, बट ऑफकोर्स मैंने किया नहीं. आज हम लोग वो करने वाले हैं, हम लोग ऐड करेंगे सबको एंड बातें करेंगे. मैं चाहती हूँ आदि कुछ अपने प्यारे प्यारे हाथों से कुछ प्ले कर दे प्यारा सा. आप सबके लिए पहला गाना कौन सा गाऊं? आई थिंक मैं दिल लौटा दो गाना पसंद करूंगी. बहुत ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है मेरे. शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे, ताकि मैं भी थोड़ा इधर आ जाऊं. एंड दिल लौटा दो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. एंड बहुत वक्त से मैं इंतज़ार कर रही थी इस गाने के लिए. स्केल लगाओ. स्केल एक टू टक्ते के एक टू एक और दो हाई लगाओ. हाँ हाँ लोते ही आ जाए. हाँ जिंदगी ने साथ मेरे ऐसा मजाक किया है, सुन के जैसे हम रोए और जहां हंसता है, जहां खुशबू तुम्हारी ना आए तेरी जाएंगे छोड़ के ये दुनिया.
चले जाएंगे। माना बड़ा मुश्किल मेरा तुम्हें भूल जाना, जितना कभी उतना है अब दूर जाना। जहाँ खुशबू तुम्हारी ना आए, ना आए तेरी यादें, कहाँ जाएंगे, दिल लौटा तो मेरा चले जाए। थैंक यू गाइज, पर आज आवाज कुछ ज्यादा खराब है, बट आई एम ट्राइंग। देखिए मेरे गले की हालत। बट ऑफकोर्स थैंक यू सो मच, आप सब लोग ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया इस गाने को, एंड इट हैज क्रॉस्ड आई थिंक 55 मिलियन प्लस इन सच शॉर्ट टाइम, एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। 58 million, I guess. मैंने चेक नहीं किया होगा, बट ऑफकोर्स थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड इसी तरह से मेरे हर गाने को प्यार देते रहिए। इस बीच मैंने देखा कि मुझे गेंदा फूल के लिए आया था, बट यू नो गेंदा फूल में जो मैंने लगाए थे ना वो एक्सटेंशंस लगाए थे, तब मेरे बाल इतने से ही थे, एंड गाने का मीनिंग है बड़ो लोकेर बीटिलो लम्बा लम्बा चूल एमन माथाई बेंदे दे वो लाल गेंदा फूल, तो वो लंबे बालों के में तो शॉर्ट है इतने। सो यस मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं। दीपक गुप्ता जी, कैसे व्यू रिक्वेस्ट करो, वापस रिक्वेस्ट भेजो, ये नहीं नहीं यहां से करते हैं। ओके हाँ करते हैं, ज्वाइन करते हैं हम लोग अभी अभी जस्ट तो वन सेकेंड। हाँ ये है ना, ये इनको रहते हैं जो। चलो आप आई एम वेटिंग 2021 आप लाइव आएंगे। आपका नाम आई एम 2021 क्यों है? बट वो हाय मैम, हाय हाय हेलो, आपका नाम आई एम 2021 क्यों है पहले तो हम लोग। माय नेम इज धीरू आर्यन। अच्छा अच्छा ओके ओके, क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ मैम। स्टूडेंट हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज में हो ऑफ कोर्स? यस मैम। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात, आपका मैंने भोजपुरी वर्जन सुना बारिश, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आपकी नेक्स्ट सॉन्ग कौन सी आ रही है पवन भैया के साथ? जी बहुत जल्दी आ रही है, गाने का नाम नहीं बता सकते अभी, रिवील नहीं कर सकते, पर हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं। मुझे पता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी हम लोग खुद भी इतने ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं ना कि जल्दी गाना आए एंड जल्दी रिलीज हो गाना पवन भैया के साथ।